हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीकर में हम आपके पॉलिटी से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं पिछले एक वीक के, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आज के टॉपिक्स का एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का जो रोशनी एक्ट है, ठीक है जी। सेकंड हम बात करेंगे जो यूपी का अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सेशन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस है 2020 का, जो कि रिसेंटली स्टेट कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया है। थोड़ा बहुत हम इसके प्रोविजन के बारे में देखेंगे। थर्ड हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं यूएस और इंडिया में दोनों के बारे में, हम डिफरेंस देखेंगे क्या बेसिक सा डिफरेंस है। फोर्थ हम बात करेंगे, आपने सुना ही होगा ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, थोड़ी डिटेल्स इसके बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के बारे में, ठीक है जी। तो ये आज के हमारे पांच टॉपिक हैं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले टॉपिक में आज बात करते हैं रोशनी एक्ट के बारे में, ठीक है जी। तो रिसेंटली ही जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी एक्शंस लिए गए थे अंडर द रोशनी एक्ट, उन सभी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसी से रिलेटेड जितने भी बेनिफिशरीज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, ये कहते हुए कि जब हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस पास की तो उस दौरान उनकी बात वहां सुनी नहीं गई, ठीक है जी। तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने 31 अक्टूबर को ये डिसाइड किया कि जितने भी एक्शंस लिए गए थे अंडर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ द ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट ऑफ 2001, तो उसके आधार पर, जिसे हम रोशनी एक्ट भी कहते हैं, जिसके आधार पर अप्रोक्सीमेटली 20 लाख कैनाल की जो लैंड थी वो ट्रांसफर की गई थी टू द एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स। तो ये जितने भी एक्शंस लिए गए इस एक्ट के आधार पर, सभी को अब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि जितना भी लैंड है उसे रिट्रीव किया जाए विद इन 6 मंथ्स, ठीक है जी। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, उनका ये मानना है कि जो ये एक्ट था, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट लैंड एक्ट 2001 का, ये टाइम टू टाइम अमेंड किया गया, जिसके चलते ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये अनसस्टेनेबल है, ठीक है जी। इसलिए उन्होंने ये डायरेक्शंस दी हैं। आइए थोड़ी रोशनी डाली जाए कि रोशनी एक्ट बेसिकली है क्या। तो जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहला रीजन था इंडिया में टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म लॉ इन 1950, बट उसके बाद काफी लोगों ने वहां पर, हम कह सकते हैं, कब्जा कर लिया लैंड पर, ड्यू टू, हम कह सकते हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस, या फिर जो पॉलिटिकल एलीट्स थे उन्होंने भी काफी वैल्यूबल लैंड को एनक्रोच कर लिया था। तो 2001 में जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने डिसाइड किया कि वो एक नया एक्ट निकालेंगे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ द ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, ठीक है जी, जिसके चलते जितनी भी अनऑथराइज लैंड है उसे वो रेगुलराइज करेंगे। अब इसमें क्या था कि जिन जिन लोगों ने जहां जहां इंक्रोचमेंट कर लिए है, जहां जहां कब्जा कर लिया है, अब उन्हें एक एप्लीकेशन भरनी है और एक फी पे करनी है, जिसके चलते वो जो लैंड है दैट विल बी रेगुलराइज इन द हैंड्स ऑफ द ओनर, ठीक है जी। तो इसमें इनका एस्टिमेट था कि जो फीस कलेक्ट की जाएगी वो आपकी रफली 25,000 करोड़ के एस्टिमेट पे होगी, ठीक है जी। और ये जो अमाउंट है इसे वो यूज करेंगे स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तभी वहीं से आपका इसका नाम रोशनी एक्ट भी पड़ा। अब बात तो क्लियर होगी रोशनी एक्ट की, बट अमेंडमेंट जो हुई इतने सालों से, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका एक्ट आया 2001 में, ठीक है जी। तो इसमें ये रखा गया कि जो 1990 तक लोगों ने जहां जहां कब्जा कर लिया है, जहां जहां लैंड इंक्रोच कर ली है, बस उन्हें ही इसमें एप्लीकेशन फाइल करने का हक है, ठीक है जी। बट फिर जितने लोग थे, काफी कंप्लेंट्स लग पड़ी आने, जिन्होंने 1990 से लेकर 2001 तक लैंड ली थी, तो उस दौरान 2003 में जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट थी उन्होंने अमेंड कर लिया इस लॉ को, और जो कट ऑफ डेट थी वो शिफ्ट कर दी 1990 से 2004 पर। जब कट ऑफ डेट शिफ्ट हो गई तो लोगों ने और ज्यादा लैंड ग्रैब करनी शुरू कर दी, जो गरीब लोग थे वहां से उन लोगों से खरीदना शुरू कर दी, ठीक है जी, कि ये सोचते हुए कि ये तो अब रेगुलराइज हो ही जाएगी। 2007 में फिर इसकी कट ऑफ डेट दोबारा शिफ्ट कर दी गई 2007 के लिए, ठीक है जी। बट फिर 2014 में एक रिपोर्ट आई कैग की, जिसके आधार पर उन्होंने काफी इरेगुलरिटीज फाउंड की इन द ट्रांसफर ऑफ द एनक्रोच लैंड टू द ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम 2007 टू 2013। अब रिपोर्ट ने यह बताया कि सरकार ने सिर्फ 76 करोड़ ही कलेक्ट किया है, जहां तक उनका एस्टीमेट था 25,000 करोड़ का, ठीक है जी। फिर 2018 में जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने ये पूरा एक्ट ही रिपील कर दिया। इसके आधार पर क्या है, जिन जिन्होंने फीस पे कर दी है उनकी लैंड तो रेगुलराइज होगी, बट अब कोई भी फ्रेश एप्लीकेशंस नहीं ली जाएंगी। अब जो वहां की सरकार है, उन्होंने कमेटी बिठाई है ताकि जितनी भी लैंड है जो कि
रेगुलराइज की गई थी रोशनी एक्ट के थ्रू, उसे दोबारा रिकवर किया जाए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब दिक्कत इसमें बहुत आने वाली है क्योंकि लोगों ने कब से लैंड वो खरीद ली है या रेगुलराइज करवा ली है, वहां तो कंस्ट्रक्शन भी होगी होगी, लोगों ने घर भी बना दिए होंगे। अब इसमें देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट आगे से क्या डायरेक्शंस देता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा टॉपिक था आपका रिलेटेड टू रोशनी एक्ट। के सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं यूपी का जो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस है 2020 का, और ये रिसेंटली ही क्लियर कर दिया गया है स्टेट कैबिनेट से। ठीक है जी, तो काफी डिबेट चल रही है इस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कि काफी इंप्लीकेशन हो सकते हैं इसके इंटरफेथ मैरिजेस पर, बट ये जो ऑर्डिनेंस है ये आपका सिर्फ इंटरफेथ मैरिजेस को ही डील नहीं करेगा, बट जितने भी रिलीजियस कन्वर्जन है इन सभी को ये डील करेगा। ठीक है जी, तो कुछ की प्रोविजन देख लेते हैं इस कन्वर्जन के। इसमें जो डेफिनेशन ऑफ रिलीजन है और साथ में आपकी एल्योरमेंट, बेसिकली रिलीजन को इसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, और इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वर्शिप पैटर्न फेथ बिलीफ वर्शिप और लाइफस्टाइल, जो कि कहीं पर भी है इंडिया में किसी भी पार्ट में है, और साथ के साथ किसी भी लॉ के अंडर ये डिफाइंड है। ठीक है जी, एल्योरमेंट का मतलब बेसिकली किसी को किसी चीज के लिए अटेम्प्ट करना, मतलब अट्रैक्ट करना कुछ डिजायरेबल चीजें दिखा के। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपके कोई भी गिफ्ट ग्रेटिफिकेशन या फिर कोई भी मटेरियल बेनिफिट आइदर इन कैश और काइंड, एम्प्लॉयमेंट, फ्री एजुकेशन इन अ रेप्यूटेड स्कूल रन बाय रिलीजियस बॉडी, या फिर बेटर लाइफस्टाइल, डिवाइन प्लेजर और अदरवाइज, ये सभी आपके एल्योरमेंट के अंदर मेंशनड है अंडर सेक्शन 2A। ठीक है जी, फिर इसमें रिलीजन कन्वर्टर का भी डेफिनेशन दिया गया है कि कोई भी पर्सन जो कि किसी का रिलीजन कन्वर्ट करेगा बाय परफॉर्मिंग एन एक्ट ऑफ कन्वर्जन, और उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, जैसे फादर हो गया, कर्मकंदी हो गया, मौलवी, मुल्ला। बात करते हैं बेसिकली ये जो आपका ऑर्डिनेंस है ये क्या प्रोहिबिट करता है। तो इसमें काफी स्पेशल एक की प्रोविजन है इस ऑर्डिनेंस का जो कि सेक्शन 3 के अंडर मेंशन है। इसके आधार पर लिखा गया है किसी पर्सन को कन्वर्ट नहीं करना है किसी और रिलीजन में डायरेक्टली या फिर अदरवाइज किसी और पर्सन के कहने पर। ठीक है जी, बाय द यूज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्शन, एल्योरमेंट, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन है। ठीक है जी, अगर सेक्शन 3 वॉयलेट होता है तो FIR कौन कौन लॉन्च कर सकते हैं, तो ये आपका सेक्शन 4 में मेंशन है कि या फिर जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो लॉन्च कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स लॉन्च कर सकते हैं, ब्रदर, सिस्टर या फिर जो कोई भी पर्सन उसके साथ रिलेटेड है बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। ठीक है जी, अगर बात करें कि पनिशमेंट क्या है बेसिकली अगर सेक्शन 3 वॉयलेट किया जाता है, तो बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति ये करेगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है ऑफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 1 to 5 years, और साथ साथ फाइन भी है अप टू 15,000। ठीक है जी, हाउएवर अगर सेक्शन 3 वॉयलेट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अ माइनर वुमेन और अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो उसमें जो पनिशमेंट है वो आपकी 2 to 10 years की है जो इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, और फाइन इसमें आपका 25,000 तक लग सकता है। अगर कोई ऑलरेडी ही कन्विक्टेड है अंडर सेक्शन 3 फिर दोबारा उसको गिल्टी पाया जाता है तो उसमें जो पनिशमेंट होगी वो डबल हो जाएगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि बेसिकली क्या इफेक्ट है इसका मैरिज के ऊपर इस ऑर्डिनेंस का। तो काफी डिबेटेड टॉपिक है कि इसके काफी इंप्लीकेशंस होंगे आपके इंटरफेथ मैरिजेस में। तो इसमें आपका सेक्शन 6 है जिसके आधार पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी मैरिज हो रही है जो कि इस सोल पर्पस से हो रही है कि अनलॉफुल कन्वर्जन करना है या फिर वाइस वर्सा, तो इसमें जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उनमें से अगर कोई भी शादी से बाद या शादी के पहले कन्वर्ट कर रहा है रिलीजन, तो ये जो पूरी मैरिज होगी इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय फैमिली कोर्ट, या फिर वो कोर्ट भी यहाँ पर डायरेक्शंस दे सकता है जिसका वहां पर ज्यूरिसडिक्शन होगा कि वो इन तरीके के केसेस को ट्राई कर सके, पर उसमें किसी ना किसी एक को पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब जब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए, तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है कन्वर्जन के लिए। बेसिकली जो पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर है वो आपका सेक्शन 8 और 9 में मेंशनड है। किसी भी तरीके की कन्वर्जन होनी है, जरूरी नहीं सिर्फ इंटरफेथ मैरिजेस तक ही इसका इफेक्ट होगा, अगर किसी को भी जैसे पहले भी बताया किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट करना है तो तब भी इसमें आपका जो प्रोसीजर है सेक्शन 8 और 9 में वो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपका प्रायर नोटिस देना है बेसिकली। ठीक है जी, कि सेक्शन 8 के आधार पर अगर किसी को भी कन्वर्ट करना है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो उन्हें एक फॉर्म देना है, उन्हें एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी है जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है, और ये जो सबमिट करनी है ये आपको 60 डेज एडवांस में करनी है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे जिन्हें स्पेशली ऑथोराइज किया गया होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा। डिक्लेरेशन के चलते उन्हें ये कन्फर्म करना है कि दैट ही और शी विशफुली वॉन्ट्स टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, और ये बिल्कुल किसी भी अंडू इन्फ्लुएंस या अलोरमेंट या किसी भी दबाव में आकर वो ये कदम नहीं ले रहे हैं। ठीक है जी, फिर इसमें जो रिलीजियस कन्वर्टर हैं जो ये काम करेंगे, जो ये एक्ट परफॉर्म करेंगे, उन्हें भी 1 मंथ एडवांस नोटिस देना है जो कि आपका शेड्यूल 2 में मेंशन है।
इस तरीके के कन्वर्जन का, और ये भी सेम आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड होंगे उन्हें ये सबमिट करना है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, जो पुलिस होगी वो अपनी पुलिस इंक्वायरी कंडक्ट करेगी ताकि जो भी सिचुएशन है वहां पर, ये कंफर्म करने के लिए कि ये बिना किसी दबाव में आके ही ये रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है जी। इसमें भी अगर कोई सेक्शन 8 वायलेट करता है तो उसमें भी इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट रखी गई है बिटवीन 6 months एंड 3 years, साथ के साथ फाइन भी मेंशन किया गया है बिलो 10,000 का, ठीक है जी। बट अगर कोई रिलीजियस कन्वर्टर इसमें आपका सेक्शन 8 वायलेट करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट मेंशन है बिटवीन 1 to 5 years और फाइन रखा गया है लेस देन 25,000, ठीक है जी। अब ये तो रही बात सेक्शन 8 की, अब समझिए कि उन्होंने सारा प्रोसीजर फॉलो किया, 60 दिन पहले नोटिस दिया, फिर जो रिलीजियस कन्वर्टर, जो रिलीजन कन्वर्टर थे उन्होंने भी अपना नोटिस सबमिट कर दिया, सब कुछ सही गया, रिलीजियस कन्वर्ट भी हो गया, अब उसके बाद का प्रोसीजर भी इसमें मेंशनड है। तो इसमें आपको जो सेक्शन 9 है उसमें पूरा प्रोसीजर मेंशनड है जो कि आप उस व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा पोस्ट कन्वर्जन। इसमें क्या है कि उन्हें दोबारा से एक डिक्लेरेशन सेंड करनी पड़ेगी जो कि शेड्यूल 3 में मेंशन है, और ये उनको विद इन 60 डेज के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी जब से उनका कन्वर्जन हो चुका है। ये जो डिक्लेरेशन होगी इसमें सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, क्या उनका परमानेंट एड्रेस है, क्या प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, या किस रिलीजन में उन्होंने कन्वर्ट किया है। फिर जब डिक्लेरेशन भेज दी तो उसके अगले 21 दिन के अंदर अंदर उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर भी होना है ताकि वो कंफर्म कर सकें कि जितने भी कंटेंट्स हैं डिक्लेरेशन के वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। तो जब ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी कंटेंट्स हैं डिक्लेरेशन के वो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, और ये कंफर्म कर लिया जाएगा और एक रजिस्टर में ये एंट्री कर दी जाएगी, ठीक है जी। अगर किसी भी प्रकार की जो आपके सेक्शन 9 में मेंशन है स्टेप्स ये पूरे नहीं किए जाते हैं तो ये जो कन्वर्जन है इसे इलीगल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपके रिलेटेड टू दिस ऑर्डिनेंस। इसमें आपका एक बर्डन ऑफ प्रूफ का भी प्रोविजन है जो कि मेंशन है सेक्शन 12 में, आप उसको जरूर पढ़िए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। आज के थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स हैं यूएस और इंडिया में, ठीक है जी। तो रिसेंटली ही जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी इस पावर का यूज किया है टू पार्डन हिज फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हु हैड ट्वाइस प्लेडेड गिल्टी टू लाइंग टू द FBI, ठीक है जी। तो बेसिकली थोड़ा हम देखेंगे क्या फर्क है दोनों की पार्डनिंग पावर्स में, यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट में। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंसेस रिलेटेड टू फेडरल क्राइम्स, ठीक है जी, वो स्टेट क्राइम से रिलेटेड नहीं कर सकते। यूएस के सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि ये जो पावर है ये बेसिकली ग्रांटेड विदाउट लिमिट है और इस पे कांग्रेस भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। तो इसको नॉमिनेशन दिया गया है क्लेमेंसी, बेसिकली ये एक ब्रॉड एग्जीक्यूटिव पावर है, अर्थात कि जो प्रेसिडेंट है दैट ही इज नॉट आंसरेबल फॉर हिज पार्डन्स, और ना ही उन्हें कोई रीजन प्रोवाइड करना है जब वो इस तरीके की पावर का यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। बट इसमें भी कुछ आपकी लिमिटेशंस हैं, फॉर इंस्टेंस कि जो आपका आर्टिकल 2 है सेक्शन 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आधार पर ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर तो होगी टू ग्रांट रिप्राइज एंड पार्डन्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है जी। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर इम्पीचमेंट के केसेस होंगे तो वहां पर वो इसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है जी। और ये जो पावर है जैसे कि आपको बताया कि आपके सिर्फ फेडरल क्राइम्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, स्टेट क्राइम्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति हु गेट्स पार्डन बाय द प्रेसिडेंट दैट ही कैन स्टिल बी ट्राइड अंडर द लॉज ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, ठीक है जी। तो मतलब अगर उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा पार्डन मिल गया है बट स्टिल स्टेट लॉज के आधार पर उन्हें दोबारा प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ सकता है। तो ये थी आपकी यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो उन्हें इस मैटर में भी एक्ट करना पड़ता है ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो इसमें जो आर्टिकल 72 है उसमें पूरा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स रिप्राइज respites or remissions of punishments or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence whether the sentence is a sentence of death, ठीक है जी। कि अगर मृत्यु दंड भी दिया गया है तब भी वो अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 161 में भी गवर्नर की पावर्स मेंशनड है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स मेंशनड है बट वो आपकी डेथ सेंटेंसेस तक एक्सटेंड नहीं होती हैं। क्या आपको पहले भी बताया कि जो प्रेसिडेंट की ये पार्डनिंग पावर है, जो ये पावर ऑफ पार्डन है, ये
वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें इन्हें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें प्रोसीजर क्या है कि जो राष्ट्रपति भवन होते हैं वो एक मर्सीपली फॉरवर्ड करते हैं होम मिनिस्ट्री को, जिसके चलते वो जो कैबिनेट है उसकी एडवाइस मांगते हैं, ठीक है जी। जो मिनिस्ट्री होगी वो जो ये प्ली है ये आगे फॉरवर्ड कर देगी जो कोई भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है जहां से रिलेटेड मैटर है, और बेस्ड ऑन द प्ली वो अपनी एडवाइस फॉर्मुलेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है जी। तो काफी केसेस में भी ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें एक्ट करना पड़ेगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब उन्हें इस तरीके की मर्सी प्लीज डिसाइड करनी है, ठीक है जी। और ऐसी देखी गई है जो आपके मारूराम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1980 का, साथ के साथ जो आपका धनंजय चटर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल का केस था 1994 का, तब ये सुप्रीम कोर्ट की यही टिप्पणी रही है। हालांकि प्रेसिडेंट बाउंड है बाय द कैबिनेट्स एडवाइस, बट आर्टिकल जो आपका 74(1) है उसमें उन्हें एक और पावर मिली है कि वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वो प्ली भेज सकते हैं। बट जो इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं अगर उनका वही डिसीजन रहेगा तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू एक्सेप्ट इट, ठीक है जी। तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। बेसिक आइडिया था बिटवीन द पार्डनिंग पावर्स ऑफ बोथ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, ठीक है जी। तो रिसेंटली ही जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने दोबारा ये पिच रखी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, ताकि एक सिंगल वोटर लिस्ट तैयार की जा सके सारे पोल्स के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन डेवलपमेंट वर्क्स फॉर एवरी फ्यू मंथ्स ड्यू टू फ्रीक्वेंट स्प्रेड आउट पोल्स, ठीक है जी। जनरली इलेक्शन आपके अलग अलग जगह पर कुछ कुछ टाइम में होते रहते हैं, ठीक है जी, और उसके चलते वहां पर का जो डेवलपमेंट वर्क है तो वो हैम्पर कर रहा है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए जो कि यूज होगी फॉर विधानसभा लोकसभा एंड अदर इलेक्शंस, ताकि जो ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है इसे बचाया जा सके। तो इससे रिलेटेड जो लॉ कमीशन है उन्होंने भी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की है सरकार को इन अगस्त 2018, जिसमें वो इस प्रपोजल को एंडोर्स कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्टोरल लॉ में, अगर इस तरीके से साइमल्टेनियस पोल्स कंडक्ट करने हैं। तो बेसिकली आपके साइमल्टेनियस पोल्स है क्या कि जैसे कि जो आपके स्टेट असेंबलीज हैं और जो लोकसभा हैं उनके जो इलेक्शंस हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं, ठीक है जी। उनके एक साथ इलेक्शंस करना बहुत मुश्किल है, उन्हें सिंक्रोनाइज करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी राजस्थान के जो इलेक्शंस हुए 2018 में हुए थे, तमिलनाडु के आपके 2021 में आने वाले हैं, ठीक है जी। तो जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये आइडिया है, इसके आधार पर जो इलेक्शंस हैं सभी स्टेट्स और लोकसभा के, वो आपके एक साथ ही कंडक्ट होंगे, ठीक है जी। तो इसमें आपकी जो इंडियन इलेक्शन साइकिल है उसे दोबारा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि इस तरीके से कि जो इलेक्शंस हैं स्टेट और सेंटर के वो सिंक्रोनाइज किए जा सकें। इसका क्या मतलब होगा कि जितने भी वोटर्स होंगे वो अपना वोट कास्ट करेंगे फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द लोकसभा स्टेट असेंबलीज एक ही दिन में उसी वक्त, ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपके साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं वो नई बात नहीं है इंडिया के लिए, पहले भी होते थे आपके 1967 तक ये वैसे ही आपके रेगुलरली होते थे, ठीक है जी। बट जब आपकी कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की रेजोल्यूशन हो गई थी 1968 और 1969 में, और साथ के साथ जब आपकी लोकसभा की हो गई थी दिसंबर 97 में, जो आपके इलेक्शंस थे स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट के, तब से अलग अलग ही हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इनको दोबारा एक साइमल्टेनियस पोल्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले भी आइडिया रखा गया था जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट की थी 1983 में। लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1999 में उसमें भी दोबारा इस चीज को रेफर किया गया था। नीति आयोग ने एक वर्किंग पेपर प्रिपेयर किया है ऑन दिस सब्जेक्ट इन जनवरी 2017। जो लॉ कमीशन का जो रिसेंटली ही जो एक वर्किंग पेपर आया है अप्रैल 2018 में, उसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि एटलीस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन चाहिए होंगी अगर इस वन नेशन वन इलेक्शन वाले आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। सो इसमें सपोर्ट भी है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का ये कहना है कि काफी जो एनॉर्मस कॉस्ट है जो कि सेपरेट इलेक्शंस के चलते इन्वॉल्व हो जाती है, तो इससे उसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है जी। साथ के साथ ये जो सिस्टम है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये काफी हेल्पफुल रहेगा पार्टीज के लिए टू फोकस ऑन गवर्नेंस इंस्टेड ऑफ बींग कॉन्स्टेंटली इन द इलेक्शन मोड। लॉ कमीशन का ये भी मानना है कि जो साइमल्टेनियस पोल्स हैं इसके चलते वोटर टर्नआउट भी बूस्ट किया जा सकता है। अब जो आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट है वो क्या है, पहला तो ये कि जो नेशनल इश्यूज हैं और स्टेट इश्यूज हैं वो काफी डिफरेंट हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करने से मे बी जो जजमेंट है वोटर्स की वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इलेक्शंस है वो आपके 5 साल में एक ही बार होने हैं, तो जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो सकती है लोगों के लिए, ठीक है जी।
रिपीटेड इलेक्शन से क्या रहता है कि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो थोड़े सचेत रहते हैं कि उन्हें जनता की तरफ अकाउंटेबल रहना है, रेगुलरली काम करना है जनता के लिए, ताकि उनकी जो पार्टी है उसे दोबारा इलेक्ट किया जाए। और अगर ये जो पूरा आइडिया है इसको इम्प्लीमेंट करना है तो जो दोनों स्टेट इलेक्शन और जो लोकसभा इलेक्शन है उनको सिंक्रोनाइज करना है तो काफ़ी स्टेट्स में जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन करने पड़ेंगे, जिसके चलते वहां पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा, जो कि ये माना जा रहा है दैट इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। ठीक है जी, तो बेसिक सा आइडिया था आपका रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। तो अब देखते हैं किस तरीके से इसके ऊपर आगे सरकार या इलेक्शन कमीशन काम करते हैं। आज के लास्ट टॉपिक में हम बात करते हैं एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के बारे में। तो रिसेंटली ही जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है अपना एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट अपने स्टेट में, जिसके चलते उन्होंने जितनी भी स्ट्राइक्स एंड डिपार्टमेंट्स और कॉपरेशंस में वो बैन कर दिए फॉर अनदर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो बेसिकली जो आपका लॉ है ESMA का, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है अंडर लिस्ट नंबर 33 इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है ये पूरी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही रखी गई है, उन्हीं के डिस्क्रिशन पे है कि उन्हें इस लॉ को एग्जीक्यूट करना है या नहीं। हर एक स्टेट का अपना ही सेपरेट एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है, जिसमें कुछ वेरिएशंस हैं फ्रॉम द सेंट्रल लॉ इन इट्स प्रोविजंस, और जो ये वेरिएशंस की जो फ्रीडम है ये बेसिकली सेंट्रल लॉ में ही दी गई है। सो ESMA के चलते पुलिस के पास पूरा हक रहता है कि वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, अगर वो इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, सो अंडर ESMA जो एम्प्लॉयज हैं इन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज लाइक द पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, रेलवे, एयरपोर्ट एंड पोर्ट ऑपरेशंस, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक। व्यक्ति इस तरीके की कोई स्ट्राइक इंस्टिगेट करता है दैट इज इलीगल, विच इज इलीगल अंडर दिस एक्ट, तो उसमें उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, साथ साथ फाइन भी लग सकता है, या तो फाइन भी लग सकता है उन पर ₹1,000 तक का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है जी, सो बेसिकली आपकी एसेंशियल सर्विसेज क्या है, इसमें बेसिकली आपकी कोई भी सर्विस आएगी जिसके चलते पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है, या फिर सरकार को लगता है कि अगर इस तरीके की सर्विस की डिसकंटिन्यूशन हुई तो वो अफेक्ट करेगी इन द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ठीक है जी, तो वो आपकी एसेंशियल सर्विस के अंडर आ जाएगी। तो अगर बात करें कौन कौन सी सर्विसेज आपकी इस कैटेगरी में आती हैं, तो जैसे पब्लिक कंजर्वेंसी होगी, सैनिटेशन हो गया, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल्स, या कोई भी सर्विस रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ द कंट्री है वो भी इसके अंदर कंसिडर की जाती है। ठीक है जी, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट होगी जो कि प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन से डील करती होगी ऑफ कोल, पेट्रोलियम, पावर, स्टील एंड फर्टिलाइजर्स, वो भी आपकी एसेंशियल सर्विस कैटेगरी में आएगी। कोई भी ऐसी सर्विस जिसका बैंकिंग के साथ कनेक्शन है वो भी आपका ESMA के अंडर आएगा। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड एनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रिलेटेड टू परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, वो भी आपके इसी एक्ट के अंडर आएंगे। तो इसमें एम्प्लॉयज रिफ्यूज नहीं कर सकते काम करने से, ना कि ओवर टाइम करने से, इफ देयर वर्क इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एनी ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज। सो ये क्या इलीगल है उन एम्प्लॉयज के लिए स्ट्राइक पर जाना? सो अगर स्ट्राइक के बारे में बात करें तो वो इलीगल नहीं है, बट सरकार के पास ये पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकती है अगर उन्हें ये लगे कि ये जो पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है स्ट्राइक। ठीक है जी, उसके लिए क्या होगा, सरकार एक जनरल नोटिस इशू कर देगी या स्पेशल ऑर्डर इशू कर देगी कि इस स्ट्राइक को खत्म करना है, उसके बाद ये स्ट्राइक आपकी इलीगल हो जाएगी जब भी ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। सो क्या क्या एक्शंस हैं जो कि एम्प्लॉयज के अगेंस्ट लिए जा सकते हैं अगर किसी तरीके की वायलेशन होती है? तो जितने भी लोग होंगे इन्वॉल्व स्ट्राइक में उन, या जिसने किसी ने इंस्टिगेट किया होगा इस तरीके की स्ट्राइक को, तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लगाया जा सकता है, जिसमें उनका डिसमिसल भी किया जा सकता है, मतलब उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ठीक है जी, तो जैसे कि जो आपकी स्ट्राइक है वो इलीगल बन गई है जब ESMA इन्वोक कर दिया गया है, तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अगेंस्ट सच एम्प्लॉयज जो कि इस स्ट्राइक को इंस्टिगेट कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ही बात की, बिना किसी वारंट के जितने भी पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इंस्टिगेट कर रहे हैं इस तरीके की स्ट्राइक में, उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों भी किए जा सकते हैं। ठीक है जी, सो इसमें आपका एक और चीज़ है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, बेसिकली ये एम्पावर करता है सरकार को कि वो कंट्रोल कर सकें द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का यही है कि जो सप्लाईज हैं उसको मेंटेन कर सकें, उसको बढ़ाते रहें, और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर कर सकें कि सबको बराबर सप्लाई मिलती रहे। ठीक है जी, फेयर प्राइस अवेलेबिलिटी रहे इन कॉमोडिटीज की। साथ के साथ ये एक्ट आपके जितने भी अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि होर्डिंग या फिर ब्लैक मार्केटिंग, तो उनके अगेंस्ट भी ये काम करता है। ठीक है जी, सो आपका बेसिक सा आइडिया था रिलेटेड टू ESMA, तो आई होप आपने थोड़ा बहुत यहाँ सीखा होगा। तो आज के हमारे 5 टॉपिक्स यहीं खत्म होते हैं।
तो जाते जाते एक पीस ऑफ एडवाइस हमारे भाई बंधुओं के लिए जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो लाइव है, ठीक है जी। इसके 5 टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, बट बाकी भी अभी 20 टेस्ट और बचते हैं। टोटल इसमें आपके 25 टेस्ट हैं। पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, इसमें आपके हाफ लेंथ टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, साथ के साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आंसर्स के। तो अगर आपको इसकी बाकी डिटेल्स चेक करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं या हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो इसी तरीके से करंट अफेयर्स पे अपना पूरा फोकस रखिए, साइड बाय साइड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते रहिए। उसका भी हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि पिछले मंथ से जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आपको डेली एक क्वेश्चन मिलता है रिलेटेड टू न्यू सब्जेक्ट, और जो आपका आंसर होगा वो इवेल्युएट किया जाएगा और आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर मेंशन है, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।